सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आशीष चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइज, अगर आप भी परेशान हैं पेटीएम की केवाईसी को लेकर और आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिए हैं और उसके द्वारा आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, हर बार एरर बता रहा है या फिर पेटीएम की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है और लिखा जा रहा है कि आपका पेटीएम केवाईसी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, या फिर तमाम तरीके के मैसेज एरर मैसेज आ रहे हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग या फिर कई तरीके के मैसेज। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मिनी केवाईसी के बारे में बताऊंगा जिसके बाद आप अपने पेटीएम केवाईसी को यूज कर सकते हो, पेटीएम को यूज कर सकते हो। उसके बाद बस उसकी लिमिट थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि 10,000 रुपये तक उसकी लिमिट हो जाती है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, बिकॉज़ मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल पे पेटीएम ऐप के द्वारा मिनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये रहा पेटीएम का मेरा ऐप जिसको हमको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़, अगर आप इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और नीचे कमेंट करके और ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका केवाईसी कंप्लीट हुआ है या नहीं, या आपकी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है पेटीएम की तरफ के आप के तरफ से आपको मेल किया गया है कि नहीं। बिकॉज़ यार अगर पेटीएम की तरफ से मेल आएगी तो उसमें ज़रूर मेंशन होता है, आप हमेशा मेल अपना चेक करते रहें, उसे रिफ्रेश करते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर आपको आना है पेटीएम के मिनी केवाईसी को कम्प्लीट करने के लिए पे के ऑप्शन पर। हम देख सकते हैं कि पे का ऑप्शन कहाँ है, तो फर्स्ट वाला पे का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। पैन कार्ड, यहाँ पे आप पैन कार्ड पे आप अपना नंबर डाल के उसके बाद से अपना नाम जो आपका पैन कार्ड पे होगा उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद से अगर बात करें, आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट पर भी डाल सकते हैं पासपोर्ट नंबर, उसके बाद से पासपोर्ट पर जो नंबर नाम है उस पर डाल सकते हैं। उसके बाद से आई कन्फर्म पे कंप्लीट करके आप इसको सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है वोटर आईडी कार्ड, तो वोटर आईडी नंबर जो होता है उसको आप डाल के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप डाल के सेम वही प्रोसेस है। नरेगा जॉब कार्ड, यहाँ पे अगर आप नरेगा जॉब कार्ड आपके पास है तो उसको डाल के भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे एज पर आईबीआई गाइडलाइन प्लीज़ प्रोवाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिटेल टू कंटिन्यू यूजिंग पेटीएम वॉलेट, यानी कि आप इसके वॉलेट को यूज कर सकते हैं 10,000 लिमिट तक। तो फिलहाल मेरे पास वोटर आई कार्ड है तो मैं वोटर आई कार्ड पर क्लिक करता हूँ। वोटर आई कार्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वोटर आई डी नंबर आपसे मांगा जा रहा है, तो चलिए वोटर आई डी नंबर मैं डाल देता हूँ। तो ये वोटर आईडी नंबर डाल दिया, बिकॉज यहाँ पे नेम में मैं थोड़ा इसको अलग कर लेता हूँ, मैंने बीच का वर्ड मैंने हटा दिया था पेटीएम बनाते समय। तो एक बार फिर से हम नंबर मिला लेंगे और उसके बाद से 161 161 1334, उसके बाद से यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा आई कन्फर्म का, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर कि आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आएगा मैसेज, आ गया आप मैसेज का आप देख सकते हैं कि अकाउंट वेरीफाइड आफ्टर केवाईसी कंप्लीटेशन गेट कैशबैक आफ्टर योर केवाईसी। तो आप देख सकते हैं कि आपका मिनी केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी देर बाद आपका मैसेज आएगा और आपको कहीं भी किसी भी दुकान पे जाने की ज़रूरत आपको नहीं है और ये आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने मिनी केवाईसी को अपने इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हो। मैंने इसको कंप्लीट कर लिया लाइव प्रूफ के साथ। तो जैसे ही आप यहाँ पे पासबुक पे टैप कीजिएगा, जब अगर आपका मिनी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा तो आपको पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन नहीं आएगा और आप इसमें अमाउंट ऐड नहीं कर सकते। तो चलिए पेटीएम वॉलेट पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ आपके पास यहाँ पर ऐड मनी टू वॉलेट, सेंड मनी टू बैंक एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। मैंने ऐड मनी पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,000 रुपये अगर मैं अगर चाहूँ इस पर ऐड करना तो इस पर ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि सपोज़ मैंने ऐड मनी पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नोटिस आएगा कि आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र अभी नहीं कर सकते हैं फिलहाल।
तो यानी कि यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे करके मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप अपने किसी भी बैंक से जो भी बैंक आपका ऐड है वो आपका उससे आप अपने अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हैं पासबुक में। तो चलिए बैक आ जाते हैं यहाँ पे, मुझे अभी पेमेंट ऐड नहीं करने हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ पेमेंट की का आप कब तक अपने मिनी केवाईसी आपका वैलिड रहेगा। तो सबसे पहले हम जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मुझे एक पेटीएम की तरफ से पेटीएम केयर का मैसेज आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मिनी केवाईसी। जिसे ही इस पर टैप करेंगे हम, हमारे सामने यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स सबमिट, आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स सबमिट, वैलिडिटी ऑफ योर वॉलेट हैज़ एक्सटेंडेड बाई 1 ईयर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन पे टू मर्चेंट, कैन पे ऑनलाइन एट एनी वेबसाइट। तो ये था कुछ प्रूफ जिसको मैंने आपको दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक अच्छा सा कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक वीडियो को जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।